अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, हम सब जानते हैं किसका शिकार करना है। अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, हम सब जानते हैं किसका शिकार करना है। बड़ा गुरूर है दरिया तुझे अपनी रवानी पर, हमें भी जिद है कि दरिया को पार करना है, दरिया को पार करना है। मंच पर उपस्थित हम सभी के आदरणीय पीसी चाको जी, अमरीश गौतम जी जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, अनिल चौधरी जी और मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और आज सभा में उपस्थित मुल्क के मालिकों, गिनती के कुछ ही पल रह गए हैं और ये चुनाव, इस चुनाव की नजर पूरी दुनिया की है। पूरी दुनिया दिल्ली के चुनाव की ओर देख रही है और वो क्यों देख रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर 5 साल पहले एक ऐसी सरकार आई थी जिसने कहा था कि दिल्ली को हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, जिसने कहा था कि आप हमें प्रचंड बहुमत दो, हम दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे, जिसने ये कहा था कि महिलाओं के ऊपर अब कोई अत्याचार नहीं होगा, हमारी बहनों और बेटियों की आबरू हम बचाएंगे। लेकिन आज 5 साल खत्म हो गए, ना रोजगार की बात की, ना महिलाओं की बात की, ना हमारे बच्चों की बात की, ना बुजुर्गों की बात की। आज दिल्ली के अंदर एक ऐसा नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, एक ऐसी नफरत की राजनीति की जा रही है। एक तरफ तो धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के अंदर एक पार्टी ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी, जो लोगों के ऊपर गोली चलाने जैसी बात करती है, जो ये कहती है कि इंसान को इंसान की नजर से नहीं देखो, इंसान को धर्म की नजर से देखो। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को जो दिल्ली के अंदर ये जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं इन लोगों को ये कह देना चाहती हूं, दिल्ली की जनता इतनी मासूम नहीं है, वो जागरूक जनता है, वो समझती है कि कौन उनके बच्चों के भविष्य की बात कर रहा है, वो जानती है कि कौन उनके परिवार को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लोग, एक भी नया अस्पताल दिल्ली में 5 साल में नहीं खुला, एक भी नया कॉलेज नहीं खुला, एक भी नई यूनिवर्सिटी नहीं खुली, एक भी नया स्कूल नहीं खुला, और इतने बड़े बड़े विज्ञापन देकर हजारों करोड़ रुपए इश्तिहार पे खर्च करते हैं, जनता के ऊपर खर्च नहीं करते हैं। सिर्फ स्कूलों के अंदर व्हाइट वॉश कर देने से, स्कूलों का फ्लोर पक्का कर देने से स्कूली शिक्षा अच्छी नहीं होती है। आज जो बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, आधा समा तो वहां टीचर नहीं होता है। क्या ऐसे सरकारी स्कूल वर्ल्ड क्लास स्कूल बनेगा? मैं पूछना चाहती हूँ केजरीवाल जी आपसे, आप जाके दुनिया में डंका बजा रहे हैं कि आपने सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास का स्कूल बना दिया, तो आप लोग ये बताइए कि आप लोगों के कितने विधायकों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, आप जवाब दीजिए। इनके बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, पब्लिक स्कूल में, और ये कहते हैं कि हमने सरकारी स्कूल अच्छे बना दिए इसलिए सरकारी स्कूल में जाओ। आज समय आ गया है कि आपके बच्चे भी पब्लिक स्कूल में जाएं। राइट टू एजुकेशन किसने दिया? आर्थिक कमजोर बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में कौन लेकर आया? ये कांग्रेस पार्टी की देन है, किसी और की देन नहीं है। आज हम याद करते हैं अदब के साथ स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी को, जिन्होंने 15 साल यहां पर काम किया। ऐसे ही दिल्ली नहीं बनी, ये दिल्ली कोई 5 साल पहले नहीं बनी, ये दिल्ली 15 साल पहले, 20 साल पहले कांग्रेस पार्टी की बनाई हुई दिल्ली है। क्यों ऐसा है कि पूरे देश से लोग दिल्ली में आना चाहते हैं? क्योंकि यहां पर उनको रोजगार मिलता है, यहां पर उनको अवसर मिलता है, उनको पता है
कि दिल्ली में काम होगा, दिल्ली में पैसा कमाएंगे, अपने गांव में पैसा भेजेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनका भविष्य बनाएंगे। और आज दिल्ली के क्या हाल है, हमारे छोटे दुकानदार सीलिंग की मार से परेशान है, लगातार तलवार उनके गले पर चढ़ रही है। किसी भी दुकानदार को यह नहीं पता कि अगली सुबह होगी तो मेरी दुकान बचेगी या नहीं बचेगी। केजरीवाल कहते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है। ये वही केजरीवाल है जो खंभे पे खड़े होकर बिजली की उन्होंने तार काटी थी। कहां गए आज वो लोग, जब सीलिंग होती है इनके विधायक बाहर नहीं आते हैं, कोई कनाडा चला जाता है, कोई अमेरिका चला जाता है। जब इनसे जवाब मांगो तो कहते हैं कि पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, मैं महिला सुरक्षा कैसे दूं। जब 2013 में तुम चुनाव लड़ रहे थे, जब तुम मुख्यमंत्री के लिए वोट मांग रहे थे, क्या तुमको नहीं पता था कि केंद्र के पास पुलिस होती है और चीफ मिनिस्टर के पास नहीं होती है। उसके बावजूद भी 15 साल में 5 साल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, फिर भी शीला दीक्षित ने यहां पर काम किया और कभी शिकायत नहीं की, कभी रोई नहीं वो इस तरीके से। लोगों को धोखा देना, लोगों के साथ फरेब करना, दिल्ली के माहौल को खराब करना, ये दोनों इन पार्टियों की राजनीति है। आज आपने अखबारों में देखा होगा, जिसने गोली चलाई सरेआम वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है। ये लोग दिल्ली के माहौल को खराब करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी मिली हुई है अंदर अंदर। ये आज मैं आप लोगों को आगाह करना चाहती हूँ। केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है, वो मोदी जी के एजेंडा को पूरा कर रहा है। नहीं तो आप बताइए, कोई ऐसा नेता जो इस देश के अंदर विश्वास रखता है, जो देश के संविधान के अंदर विश्वास रखता है, जो धर्म निष्पेक्ष हो, जो धर्म के नाम पे राजनीति पसंद नहीं करता हो, क्या कोई वो नेता कहेगा कि मुख्यमंत्री मुझे बना दो और मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो? कौन सा नेता ऐसे कहता है? क्यों केजरीवाल ऐसे कहता है? केजरीवाल को मोदी से दिक्कत नहीं है, केजरीवाल उनके सामने कुछ बोल नहीं सकते, धरने पर बैठ नहीं सकते, बिल के अंदर छुपे रहते हैं। ऐसे डरे हुए नेता हमको नहीं चाहिए, ऐसे डरे हुए नेता हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए राहुल गांधी जैसे नेता, हमको चाहिए सोनिया गांधी जैसे नेता, हमको चाहिए प्रियंका गांधी जैसे नेता। एक ऐसा परिवार चाहिए दिल्ली के अंदर, कांग्रेस वापस चाहिए। इसलिए आज दिल्ली की जनता कह रही है, क्या कह रही है दिल्ली की जनता? दिल्ली की जनता कह रही है कि कांग्रेस वाली दिल्ली वापस ला दो। मेरे अच्छे दिन कांग्रेस के अच्छे दिन थे, मेरे अच्छे दिन कांग्रेस वाले अच्छे दिन थे, ये बीजेपी और केजरीवाल के दिन मेरे लिए अच्छे नहीं है। भाइयों और बहनों, एक बात समझ लीजिए, यहाँ बहुत सारे युवा भी बैठे हैं, हम सब पढ़ लिख कर क्या करना चाहते हैं? नौकरी करना चाहते हैं कि हम अपने परिवार का पेट पाल सके। 8 लाख नौकरी कहा था आम आदमी पार्टी ने कि हर साल में 8 लाख नौकरियां दूंगा। बताइए किसके बच्चे को आज इतनी जनसभा में समूह इकट्ठा है, किसके बच्चे को दिल्ली के अंदर नौकरी मिली? किसी को नहीं मिली। नौकरी मिली नहीं, नौकरी छीन ली गई। आज दुकानदारों को अपनी दुकान से लोगों को हटाना पड़ रहा है, क्योंकि उसके पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, वो कहां से लाएगा पैसा? आज लोगों की जेब पर लात पड़ी है, लोगों के पेट पे लात पड़ी है। कितना हो गया सिलेंडर? हमारी माताएं जानती हैं कैसे जब घर का बजट हिलता है, जब थाली से प्याज गायब हो जाता है, तो इनके मंत्री कहते हैं तो क्या हो गया, मैं तो प्याज नहीं खाती। अरे तुम नहीं खाती, लेकिन यहाँ पर बैठी जनता तो प्याज खाती है, प्याज के बिना कभी सब्जी अच्छी बनती है? ऐसी असंवेदनशील बातें कर लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। ये 2 से 3 दिन बहुत जरूरी हैं। हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी मजबूत प्रत्याशी हैं, जनता की सेवा के लिए जाने गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछाला, अपनी लाइन को बड़ा किया है, लेकिन ये लोग लगातार एक दूसरे पे छींटाकशी करते जा रहे हैं। कांग्रेस ने ये वादा किया है कि 2500 की पेंशन को कांग्रेस पार्टी 5000 रुपए की पेंशन करेगी, ताकि हमारी बहनों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी बेवा माताओं को तकलीफ नहीं हो। आप बताइए, जो पेंशन कांग्रेस पार्टी के टाइम पर मिलती थी, वो क्या आम आदमी पार्टी के टाइम पे पेंशन मिलती थी? टाइम पर कोई
कोई पेंशन नहीं मिली, लोगों को पेंशन नहीं मिली, हमारी माता और बहनों को दर दर धक्के खाने पड़े तब भी नहीं मिली है। आज जो प्रदूषण की मार दिल्ली पर है, हमारे बच्चों के फेफड़े जल रहे हैं, हमारे बच्चे रोज मर रहे हैं, इस प्रदूषण को किसी जहर से कम मत समझो, इसको मजाक में मत समझो। आने वाला समय ऐसा आएगा कि 10 में हर एक बच्चा प्रदूषण की वजह से अपनी जान खो रहा होगा, क्या हम लोग तब जागेंगे? आज सवेरा करने का समय आ गया है, आज अंधकार को खत्म करने का समय आ गया है, आज समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी के हाथ में वापस दिल्ली की कमान आए, ताकि कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, जो कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता है, जो कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है, उसको वो आगे लेकर आए। और कांग्रेस पार्टी हमेशा दिल्ली के दिल की बात करती है, अपने मन की बात नहीं करती, दिल्ली के दिल की बात करती है, दिल्ली वालों के दिल की बात करती है। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं पुनः आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर इतने स्नेह से और धैर्य से सुना। लेकिन 8 तारीख तक ये सोने का समय नहीं है, ये आखिरी की 2 रातों में घुमाएंगे चुनाव को, कोशिश करेंगे दल से बल से धन से लोगों को किसी ना किसी तरीके से गुमराह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पता है ना कि बटन कहाँ दबाना है? हाथ पर बटन दबाना है। सभी हाथ खड़ा कीजिए, ऊपर पीछे से लेके आगे तक सभी माता बहने, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। जय हिंद, जय भारत।